नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम पांच की आंच का। आज सबसे पहले बात होगी लाडली बहना योजना की। एक तरफ सरकार ने बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की और उधर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। बात भोपाल के अवैध बाल गृह की होगी, जहां जांच के बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में शिकारी डी गैंग का आतंक जारी है। रीवा में एक शख्स ने ईमानदारी की मिसाल पेश की, कहानी ये भी दिखाएंगे। वहीं इंदौर में किसने पार की हैवानियत की हदें, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे एक पति बन गया है पार। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं पहली स्टोरी से, लाडली बहना योजना पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर फिर से हमलावर नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज रकम को ट्रांसफर किया। दरअसल ये ट्रांसफर होने के बाद कांग्रेस ने ये दावा किया कि नई सरकार ने लाडली बहनों की संख्या को घटा दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह दावा किया कि नई सरकार ने घटाई 2 लाख लाडली बहनें, और साथ ही ये आरोप भी लगाया कि झूठे विज्ञापनों की सच्चाई सामने आ गई है। कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही है ये सरकार, आरोप ये भी लगाए गए और 2 लाख बहनों की छटनी कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह दावा किया। उमंग सिंघार ने कहा कि सितंबर में 1.31 करोड़ बहनें थी, नए सीएम ने संख्या को कम कर दिया और अब 1.29 करोड़ बहनों को राशि ट्रांसफर की। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद ये संख्या और कम कर दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। संख्या कितनी बचेगी ये तो नए सीएम ही तय करेंगे। तो लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आशीष हमलावर दिख रहे हैं। निश्चित रूप से, और योजना को लेकर दोनों में बयानबाजी का दौर भी जारी है। उमंग सिंघार जी, आप मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के मत को क्या अपमानित करने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हो विज्ञापन से सरकार बनी, हमने तो अभी तक सुना, पूरे देश ने तो ये जाना है कि मतदाताओं के मत से सरकार बनती है। मतलब आप मतदाताओं के मत को इग्नोर करते हुए विज्ञापन से सरकार बनती ये कहने चाह रहे हो? यानी मध्य प्रदेश की आप 7 करोड़ जनता का अपमान करने का काम कर रहे हो। कांग्रेस की दुर्गति इसी कारण से हुई है क्योंकि आम जनता के अधिकार ताकत को आप जानते नहीं हो। देखिए, आज सबसे बड़ा विषय यही है कि महिलाओं को ठगने का काम किया गया सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा के द्वारा, जो चिंता का विषय है, चिंताजनक है। आपने जो झूठा वादा किया लाडली बहनाओं से, अब उनके जो पैसे जाने थे उनको वंचित कर दिया। 2 लाख का संख्या मतलब कम होना एक बड़ा विषय है। मध्य प्रदेश में 2 लाख बहनों के अधिकारों को छीनने का काम किया, आगे ये और छीनेंगे और इसको शून्य पर ला देंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव हारते हुए एक बाजी पलटने के लिए खेल खेला गया था। और लाडली बहना योजना को लेकर दोनों तरफ से सियासत जारी है। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस हार से हताश है। लोकसभा चुनाव में भी महिलाएं बीजेपी का ही साथ देंगी, बीजेपी को यकीन है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की और साथ ही कांग्रेस पर सीएम ने जमकर हमला भी बोला। नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए जारी की। राशि जारी होने के बाद कांग्रेस को लाडली बहना योजना का जवाब मिला है। पिछले दिनों कांग्रेस ने योजना बंद होने का दावा किया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर की। बहनों के खातों में 1,576.61 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। 12 पेंशन स्कीम के हितग्राहियों को भी रुपए ट्रांसफर। 56 लाख हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली में है तो दूसरा भोपाल से चलता है। तो डबल इंजन, एक इंजन तो दिल्ली से चलता है और देश का दूसरा इंजन भोपाल से अपनी सरकार का भाड़ा बना के नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपने लिए, अगर आप अपने आप के लिए सहमत हो तो बताओ कैसे बढ़ाओगे, जरा जोरदार ताली बजा करके हमारे सारे त्योहार। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार योजना की राशि दे रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कांग्रेसी कह रहे थे कि सरकार पैसा नहीं देगी,
कांग्रेस अच्छे से सुन लो, बीजेपी सरकार ये राशि आगे भी देती रहेगी। अब सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोगों को पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे थे, आपकी देती अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठे हो, हर बार देते रहेंगे, तुम्हारा पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों को ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास हो, अपन तो उसको क्या कह सकते, लेकिन जिसका हक है उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मकर संक्रांति से पहले बहनों को सरकार की ओर से सौगात मिल गई है। लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर होने के बाद अब कांग्रेस को भी जवाब मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सीएम ने साफ कह दिया है कि आगे भी ये राशि इसी तरह ट्रांसफर की जाएगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर कर्ज को लेकर घेरा है। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह ने 10 साल में व्यापम दिया, घोटालों ने प्रदेश को कर्जदार बना दिया। वहीं बीजेपी विधायक मनोज पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह सरकार में कर्ज लेकर करप्शन किया जाता था। बीजेपी सरकार ने कर्ज लेकर विकास किया है, विकास के लिए कर्ज लेना सही है। ईयरली हमें ब्याज देना पड़ता है, फिर इस 2 महीने में 3 महीने में अब सरकार 28,000 करोड़ रुपया कर्जा लेगी, यानी लगभग 350 करोड़ रुपया रोज। तो आखिर इस प्रदेश के भावी भविष्य का क्या? 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिग्विजय सिंह जी भी 10 साल उन्होंने प्रदेश पे राज किया था, तब बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में हम बद से बदतर हालत में पहुंचे थे और तब भी कर्ज लिया जाता था। तो पहले आप वो हिसाब दे कि दिग्विजय सिंह सरकार ने कर्ज लेकर के क्या किया था। वो कर्ज लेते थे और करप्शन करवाते थे, यहाँ कर्ज ले रहे हैं और सरकार काम कर रही है। और राजधानी भोपाल में संचालित अवैध बाल गृह को लेकर अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। बाल गृह संचालक मैथ्यू पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया और बताया जा रहा है कि अवैध बालिका गृह को फंडिंग होती थी, वो भी जर्मनी से। बिल्कुल, तो जर्मनी से फंडिंग के तार जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि गरीब परिवार की बच्चियां टारगेट पर रहती थी। दरअसल ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, ये सारा सेटअप वहां पर तैयार किया गया था और आरोप है कि बाल गृह के स्टाफ ने ये सब कुछ वहां रचा। और पुलिस की पूछताछ में कर्मचारियों ने इस बारे में खुलासा किया। पुलिस के लिए बयान में बाल गृह के अवैध हिस्से पर प्रशासन की नजर जल्द हो सकती है। तो जल्द हो सकती है बुलडोजर की कार्रवाई और अवैध हिस्से को जमींदोज किया जा सकता है। और उधर बाल गृह को लेकर कलेक्टर का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें कलेक्टर ने कहा कि आंचल बाल गृह के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जांच की डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद ही दूसरी एजेंसीज को ये जांच सौंपी जा सकती है। दरअसल बाल गृह, छात्रावास और दिव्यांग सेंटर्स की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। जो था उसमें हम लोगों ने, आपको पता है कि बच्चियों को उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया, 2 बच्चे छिंदवाड़ा की थी वो CWC को वहाँ पे सुपुर्द कर दिया। हमने अभी डिफरेंट टीमें बनाई हुई हैं जांच के लिए, जिसमें उनकी बिल्डिंग परमिशन की जांच, फंडिंग की जांच या दूसरे पहलुओं की जांच, उसको हमने हर एंगल से जांच के लिए दिया है। फरी आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो ऐसा नहीं है वो बाहर हो, तो इसलिए जो है अब बाकी जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार। सर और भी लोग हैं क्या, क्या अकेला मैथ्यू ही सब नहीं? देखिए, नहीं अभी तो मैथ्यू का नाम है, उससे पुलिस पूछताछ करके करेगी कार्रवाई। शहर के जो दूसरे शेल्टर होम है, छात्रावास है, दिव्यांग जनों के हॉस्टल है, सभी की हमने कहा है कि एक बार पूरी जांच करेंगे। और प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, मैथ्यू का नाम सामने आ रहा है, मैथ्यू इसमें मुख्य आरोपी माना जाए या महज एक मोहरा है मैथ्यू? देखिए, फादर अनिल मैथ्यूज गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, पूछताछ हो रही है और पूछताछ में बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जैसा कि जर्मनी का जिक्र भी आप कर रहे थे, विदेशी फंडिंग तो है ही, दूसरा ये वाकई सवाल खड़े करता है कि भोपाल से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर गांव में ये करोड़ों की इमारत बनी हुई थी। आपका मकसद बहुत सामान्य तो था नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है कि धर्मांतरण इसके पीछे बड़ी वजह थी, लेकिन ये धर्मांतरण धीरे धीरे माइंड वॉश करके कराया जाता था, फोर्सफुली नहीं होता था, लेकिन परिवारों को ये कहा जाता था बेहतर शिक्षा, बेहतर जीवन, बेहतर
बेहतर लाइफ स्टाइल बच्चों की हो जाएगी। और जब हमने वहां परिजनों से भी बात की थी तो वो भी कहते थे कि हमारे बच्चे नशा कर रहे थे और पढ़ नहीं रहे थे, गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो हमने वहां पर उन्हें भेज दिया था। और इसी जो मजबूरी का फायदा उठाकर ऐसी संस्थाएं बच्चों को अपने साथ ले जाती हैं, उन्हें पढ़ाती लिखाती भी हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा बड़ा उनका मकसद होता है वो है धर्मांतरण। धीरे धीरे आपको मिशनरी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो कराई जाती हैं। प्रलोभन का पूरा जाल बिछाकर फंसाया जा रहा था प्रशांत, जिस तरह से आपने बताई पूरी जानकारी। लेकिन सवाल यहां पर ये बड़ा ये भी उठता है ना कि भले ही एक गांव के अंदर ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, लेकिन इसके तार जब जर्मनी से मिले हुए थे तो ऐसे तो नहीं है कि बिना किसी बड़ी मिली भगत के ही इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। जी जी, दरअसल देखिए इसमें एक स्पष्ट मकसद तो यही था धर्मांतरण का। दूसरा आप कह रहे हैं कि कोई और कुछ और तो अंजाम नहीं दिया जा रहा था, तो उसके पीछे एक और दूसरी थ्योरी भी है। थ्योरी क्या, बल्कि उसमें इंटरनल लोग बता भी रहे हैं कि जो वहां पर बच्चियां होती थीं, कई बार जो मिशनरी से जुड़े बड़े लोग हैं उनके यहां पर उन्हें एज ए चपरासी के तौर पर उन्हें भेज दिया जाता था उन, और इसके एवज में उन परिवारों को पैसा भी मिलता था। महीने के महीने 5,000-10,000 रुपए महीने भी उन परिवारों के लिए मिलता था जो गरीब परिवार अपनी बच्चियों को आंचल बालिका छात्रावास में जो भेज देते थे। इस नजरिए से जो 26 बच्चियां शुरुआत में मिसिंग पाई गई थी, दरअसल उसमें बड़ी संख्या में बच्चियां ऐसी थी या आशंका जाहिर की जा रही कि ऐसी जगह वो स्थित थी। फिर जब 2-3 दिन ये पूरा हंगामा हुआ तो सभी बालिकाओं को वापस लाया गया या फिर ये कहा गया कि ये मिसिंग नहीं थी, ये अपने घर चली गई थी। ये जानकारी शुरुआत में, जब तक 1-2 दिन ये पूरी एक्सरसाइज चली इसमें ये सारा मैनेज किया गया। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है धर्मांतरण वाला मसला है। जहां तक फंडिंग का मसला है, केवल जर्मनी का मामला नहीं है बल्कि हम ये कहेंगे कि जो भारत में बड़े बड़े प्रांतीय स्तर पर बिशप्स हैं जो गड़बड़ झाला है, इससे कोई इनकार नहीं है। अब मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में इन दिनों हम देख रहे हैं, और ये जो बुलडोजर एक्शन है इस पर क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी कोई डिटेल अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तैयारी चल रही है, प्रशासन इस पर विचार कर रहा है ऐसी संस्थाओं पर। चूंकि सरकार बदली है लेकिन ये सरकार अफसर भी बदले हैं, तो ये कार्रवाई किस अंदाज में किस ट्रैक पर हो ताकि सवाल भी ना उठें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए। चूंकि बिल्कुल अवैध तरीके से ये आंचल बालिका छात्रावास संचालित हो रहा था तो उसके खिलाफ एक्शन तो तय है। अब जल्द ही हो सकता है कि ये जल्द ही बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हो जाए, इसकी तैयारी चल रही है, प्रशासन विचार कर रहा है, लेकिन कब और क्या होगा बिल्कुल इसका इंतजार करना होगा और ठोस सबूतों के साथ इसे कोर्ट में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रशासन।